तो दोस्तों मार्केट में ना मोबाइल बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। अभी कुछ साल पहले नोकिया ने शुरुआत किया, जो एक बंद हुआ ब्रांड था दोस्तों, उसने फिर से अपना शुरुआत किया। और उसने शुरुआत में ना दोस्तों बहुत ही महंगे महंगे स्मार्टफोन लॉन्च किए, लेकिन दोस्तों टाइम के साथ ना वो भी अपने प्राइस डाउन करते गया और मार्केट के हिसाब से अपने प्राइस को लाते गया दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप नोकिया मोबाइल लेना चाहते हो दोस्तों, आप नोकिया मोबाइल लेने जाते हो तो सब बोलते हैं कि महंगा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आपको नोकिया मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर लेना भी चाहिए तो किस किस बेसिस के हिसाब पे लेना चाहिए दोस्तों, और नहीं लेना चाहिए तो भी क्यों नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो सब कारण मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि नोकिया मोबाइल लेना चाहिए क्यों। पहला आता है दोस्तों, सबसे ऊपर आता है ब्रांड वैल्यू। आप सबको पता है कि नोकिया एक ब्रांड है, और आप कहोगे कि दूसरे मोबाइल भी ब्रांड है दोस्तों, तो ब्रांड से ना आपको इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों कि एक ब्रांड ना आपको एक भरोसेमंद सर्विस देता है दोस्तों। तो यहाँ पे नोकिया सबसे ऊपर आता है, जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया दोस्तों, देन नोकिया आता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आप नोकिया पे है, जिस पे भरोसा करते हैं, जिसका सर्विस ना दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी मोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर में जाएंगे ना, तो आपको रियल एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या इशू होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही मायने रखता है। दूसरा कारण लेने का है दोस्तों कि नोकिया के फ़ोन टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ इन मीन्स दोस्तों ना, कि अगर आप एक बार नोकिया का मोबाइल ले लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल तक मोबाइल बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि आप कोई भी देख लीजिए दोस्तों, मेरे चाचा ने नोकिया का 6.1 लिया है, तो अभी तक यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और बाकी सब भी मोबाइल जो मिड रेंजर नोकिया के मोबाइल से ना दोस्तों, वो अभी तक चल रहे। थोड़ा हाँ ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा हैंग होता है, लेकिन मोबाइल एटलीस्ट दोस्तों बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अगर आप उस पर ज़्यादा लोड नहीं दोगे ना, तो मोबाइल बहुत अच्छे से 3 से 4 साल तक चलता है। तो ये भी एक कारण हो गया कि नोकिया मोबाइल लेना चाहिए। तीसरा कारण दोस्तों, ऐसा तो मैंने एक्सटर्नल कारण बताया, अभी तीसरा इंटरनल कारण ये है ना दोस्तों कि नोकिया का मोबाइल का जो डिस्प्ले है, कैमरा है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट रहते हैं। बहुत बेस्ट मतलब आप सबको पता है कि प्योर व्यू डिस्प्ले देते हैं दोस्तों, प्योर डिस्प्ले बोल सकते हैं, प्योर डिस्प्ले देते हैं। और नोकिया का जो कैमरा है ना दोस्तों, बेसिकली बहुत अच्छा कैमरा है, जो उसका इमेज प्रोड्यूसिंग है दोस्तों, वीडियो क्वालिटी है, हर एक चीज़ ना दोस्तों एकदम अच्छे से मेंटेन करके देते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है नोकिया की दोस्तों, और आपको कैमरे में कभी कोई कमी नहीं मिलने वाली दोस्तों। रियर कैमरा बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक कैमरे के व्यू से और एक डिस्प्ले के व्यू से भी हमें नोकिया मोबाइल लेना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट रीज़न आता है दोस्तों कि सिक्योरिटी पैच अपडेटेड, जैसे सिक्योरिटी पैच अपडेट हो गया दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, टाइम टू टाइम दोस्तों हर एक चीज़ ना आपको नोकिया के मोबाइल में बहुत पहले मिलता है। जैसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है ना दोस्तों, सबसे पहले एंड्रॉयड के गूगल के फ़ोन्स में आते हैं, देन दोस्तों नोकिया के फ़ोन्स में आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, और नोकिया ने भरोसा दिलाया कि टाइम टू टाइम वो आपको अपडेट देता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आजकल हर एक मोबाइल ना मोबाइल अपने लॉन्च करते, लेकिन कभी आपको रिवील नहीं करती, और मिड रेंजर में भी आपको रिवील नहीं करती दोस्तों कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कब मिलेगा, आपको एंड्रॉयड क्यू का सपोर्ट या फिर एंड्रॉयड 10.0 का सपोर्ट आपके मोबाइल में कब मिलेगा। यहाँ तक कि Redmi Note 8 है ना दोस्तों 9.0 पे आया, लेकिन 10.0 उसको कब मिलेगा अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या होता है दूसरे मोबाइल में और नोकिया के मोबाइल में। तो आगे आता है ना कि इसका एंड्रॉयड दोस्तों, एंड्रॉयड वन वाला फीचर्स बहुत ही कम मोबाइल में मिलता है। तो नोकिया अपने सब मोबाइल एंड्रॉयड वन फीचर्स के ऊपर बेस्ड रहता है दोस्तों, जिससे आपको ना स्टॉक एंड्रॉयड का एकदम फील होता है, और स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही मिलता है पूरा दोस्तों। तो उसके UI के ऊपर कोई लेयर नहीं रहता, कोई परत नहीं रहता, जिससे मोबाइल एकदम स्मूथ रहता है दोस्तों, और कोई लैग का इशू नहीं रहता है। हाँ मैं मानता हूँ कि नोकिया कुछ दिनों में दोस्तों लैग करने लगता है सैमसंग की तरह, लेकिन ना दोस्तों जो UI रहता है ना वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आपको गूगल पिक्सल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात रहती है दोस्तों। तो यही कुछ कारण है दोस्तों जिसका सोच के आपको लेना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या कारण है जिससे आपको नोकिया मोबाइल नहीं लेना चाहिए। पहला कारण है इसका ना लेने का ना दोस्तों, इसका बैटरी। आपको सीरियसली बोलूं दोस्तों कि इतना टाइम में दोस्तों हर मोबाइल कंपनियाँ 4000-5000 mAh की बैटरी देती है, लेकिन नोकिया अभी भी ना दोस्तों आपको 3000 या 3500 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। तो ये मुझे कमी लगी, और साथ में दोस्तों ना किसी किसी के साथ फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रहा है, किसी किसी के साथ नॉर्मल चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली बहुत ही कमी और डिफ्रेंशिएट हो गया दोस्तों। आजकल हर मोबाइल कंपनी आपको USB टाइप सी पोर्ट देती है, पहली बात फास्ट चार्जर देती है, दूसरी बात दोस्तों हर एक मोबाइल कंपनी जो 10000 के ऊपर से है। अभी नोकिया एक ब्रांड होने की वजह से दोस्तों शायद ऐसा करता है कि नहीं करता, अब उसी को पता है।
दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा मेन कारण आता है इसका ना लेने का ना, कि इसका ओवर प्राइस दोस्तों, यह मार्केट के हिसाब से प्राइस नहीं रखते। इनको लगता है कि इनका ब्रांड वैल्यू पहले की तरह है, लेकिन इनका ब्रांड वैल्यू पहले की तरह है लेकिन प्राइस में दोस्तों बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ जो प्राइस बहुत ज़्यादा कम करके दे रही है, जैसे रियलमी देख सकते हो दोस्तों, रेडमी देख सकते हो, इनमें दोनों में खासकर बहुत ज़्यादा टक्कर चल रहा है प्राइस को लेकर। तो यहाँ से नोकिया को कुछ समझना चाहिए और एटलीस्ट ये लोग कंपेयरिंग में थोड़ा कम प्राइस या फिर थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस, लेकिन थोड़ा ही ज़्यादा रखना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो ये भी एक कमी लगता है मुझे कि प्राइस के वजह से भी नोकिया कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं और इसी के वजह से लोग नोकिया को नहीं ले रहे हैं। तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण ये है ना नोकिया ना लेने का, कि इसका सेल्फ़ी कैमरा दोस्तों, अब मैंने रियर कैमरा बताया लेकिन सेल्फ़ी कैमरा भी ना दोस्तों अच्छे इमेज, उतने अच्छे इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, गूगल कैमरा से लेते इमेजेस दोस्तों तो वो बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ कारण हो गए दोस्तों लेने, तो आपको नोकिया मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दोनों मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमें चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें दोस्तों। मैं ऐसे ही आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। बाय।